डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज 130वीं जयंती है। आइए हम दिखाते हैं, एक छोटा सा बालक हमारे सामने उपस्थित है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे, वो कुछ कहना चाहता है, आइए हम दिखाते हैं। बेटा क्या बोलना चाहते हैं आप? हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है, हम बाबा साहब के चेले, भारत में सबसे पहले। उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडिया, बंधुओं व समस्त देशवासियों को मैं नीलम राजरत्न जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार सलाम आदाब करते हुए आज परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की 130वीं जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए आज मीडिया के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि आज 14 अप्रैल 2021 बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस संगठन का बैनर उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज से आगामी प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा। हमारा संगठन समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित संगठन है और मानव सेवा प्रथम, यह हमारे संगठन का विशेष नारा है और मानव सेवा को ही ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दिया जाएगा। मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं और सभी वर्ग के लोगों का इस संस्था में स्वागत है। इस संस्था में सभी के आस्था का ध्यान रखा जाएगा, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा। संगठन में शामिल सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता के आस्था का सम्मान रखा जाएगा और सभी को अपनी अपनी बातें रखने का, अपनी विचारधाराओं को प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। किंतु अंधविश्वास, पाखंड जैसे सामाजिक कुरीनीतियों का हमारा संगठन सदैव विरोध करता है। समाज में जाति आर्थिक समता स्थापना करना, समाज व देश में अपनी भाईचारा स्थापित करने पर मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का सदैव प्रयास रहेगा। हमारा संस्था मुख्य तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत रहेगा, साथ ही शोषित, वंचित, दबे कुचले, निम्न वर्ग के लोगों के विकास कार्य व कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महापुरुषों की जयंती व स्मरण कार्यक्रम आयोजन करना, स्कूल कॉलेज के होनहार विद्यार्थियों को किताबें, पुस्तकें इत्यादि सामग्री वितरित करना, युवाओं के लिए खेल क्रीड़ा आयोजित करना, कलाकृति कार्यक्रम आयोजित करना, अन्नदान, वस्त्रदान, फ्री मेडिकल कैंप लगवाना इत्यादि विशेष कार्य मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न जातियों का वर वधु परिचय सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन करना, अनाथ बच्चों की सामाजिक आर्थिक मदद करना, बेसहारा बुजुर्ग को सामाजिक आर्थिक मदद प्रदान करना, गंभीर रूप से बीमार मरीजों की सामाजिक आर्थिक मदद करना इत्यादि कार्यों को संगठन के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन यह संगठन संविधान का मान सम्मान करने वाला, संविधान के आधार पर कार्य करने वाला संगठन है। हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का प्रयास होगा कि इस संगठन के माध्यम से मानव सेवा, समाज सेवा को बढ़ावा दिया जाए और अनेकों गांव, अनेकों जिला, शहर, राज्य व देश को विकसित करने में हमारा भी एक छोटा सा योगदान रहे, इस बात की हम मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सदैव प्रयास व कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं जन विकास आवाज से बरमवासी विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज।
मौजूद है हम महानगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आए हैं, जहां मीरा रोड में आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जो 130वीं जयंती है, जो बाबा साहब हमारे भारत रत्न है, जो कि हमारे देश में नहीं विदेशों में भी उनकी जयंती मनाई जाती है। उसके उपलक्ष्य में कुछ संस्थाएँ हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए मना रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और कुछ जानकारी हासिल करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने है मूक नायक एसोसिएट संस्था है, जिसका आज ही उद्घाटन किया गया, जहां हमें जानकारी मिली लोगों के माध्यम से कि आज ही उद्घाटन किया, उसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। तो मैडम, आप बताएंगे संस्था का जो आज के दिन ही उद्घाटन किया गया है, ऐसा कारण क्या हो सकता है? आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज 130वीं जयंती है, जो हमारे पूरे समाज के देश के महानायक हैं, और जिनकी आज जयंती है, तो इसी वजह से हमने यह शुभ अवसर चुना अपने संगठन को आज के दिन रीओपनिंग करने का। अच्छा, जो संस्था है आपके, संस्था किन उद्देश्यों के माध्यम से, मतलब किन उद्देश्यों को लेके चल रही है? हमारा संस्था जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं आपके समाज में, उनका कुछ उद्देश्य होता होगा, जैसे आपने भी कुछ उद्देश्य समझ के इस संस्था का उद्घाटन किया है, उसके विषय। हमारा यही है कि हमारे संस्था का यही उद्देश्य है कि हम लोगों को एकजुट करें, एकत्रित करें, लोगों को संगठित और शिक्षित करें, और लोगों की मदद करें, जिन्हें आर्थिक परेशानी है उनकी हम मदद करें, जितना हो सके हम अपनी तरफ से कोशिश करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें। हमने ये जो संस्था ओपन किया है, इसमें हमारा यही सबसे बड़ा मकसद है कि हम समाज की सेवा करें। मैडम ने बताया जो कि आपका मैडम नीलम राजरत्न, नीलम राज मैडम जो है यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन्होंने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सहायता करना, सहायता किसी प्रकार भी सहायता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं। आइए उनसे, संस्था में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। सर्वप्रथम नमो बुद्धाय विजय भीम, मेरा नाम सुचित जयसवार। आप जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के कुछ उद्देश्यों के या कुछ जानकारियाँ लोगों को बताएंगे? मैं मूक नायक सोशल एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव। इस एसोसिएशन द्वारा हम लोगों को जन जन तक अपनी जो भी मदद सहायता है हम करने के लिए तैयार है, उस उद्देश्य से हमने यह एनजीओ ओपन किया है, और हम ये चाहेंगे इसमें सभी वर्ग के जाति, सब बच्चे जितने हैं, सब हमारे ट्रस्ट से वाकिफ रहे जो हम काम करेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से द्वारा जितना हो सकेगा हम अपने एनजीओ को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जो भी पदाधिकारी है उनके सपोर्ट से भी सब इस एनजीओ को आगे बढ़ाकर अपना कार्य करेंगे, और हम गरीबों तक जितना हो सके मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, संस्था का जो मेन उद्देश्य है लोगों की सहायता करना, आप ये और संस्था में लोग हैं उनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। और सर, आप बताएंगे संस्था में, आपका परिचय दीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा नाम राहुल सदावर्ते है, जय भीम नमो बुद्धाय। ये 130वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आज ही हमने ओपनिंग किया है, ये शुभ अवसर है हमारे लिए, और ये आज मेरा भी पहली बार है, मैं भी कभी किया नहीं हूँ ये सब एनजीओ में, तो जो भी है नीलम जी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम अपने जन विकास सभा चैनल के माध्यम से कि आप ऐसे बड़े कामों में आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की। अभी नीलम जी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं ट्राई करूँगा मैं यहाँ से और आगे जाऊँ, मेरे अंडर में भी कोई आए बंदे लोग, हम सब एकजुट होकर आगे समाज को लेके जाए, और भी बहुत कुछ करना है, अभी बात नहीं, अभी काम करना है। देखो, जो भी संस्था का उद्देश्य एक ही मकसद है कि लोगों की सहायता करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आइए और भी लोग हमारे सामने उपस्थित हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, संस्था के विषय में कुछ बताएंगे? जय भीम नमो बुद्धाय, मेरा नाम संदीप प्रजापति है। इस संस्था का उद्देश्य जो है एनजीओ जो हम लोग ने आज ओपनिंग किया है, उसका एक ही उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों में जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए हमने ये संस्था को ओपन किया है। दूसरा है लोगों को जो शिक्षा
में विकास नहीं हो रही थी उसके लिए भी हमने ओपन किया, जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए भी हमने ओपन किया, और जो भी बिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए भी हम लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए उनको दिया गया है मौका। संस्था का बहुत बड़ा उद्देश्य है, और संस्था को उद्देश्य को लेकर चलते हुए हमारे सामने एक और कार्यकर्ता हैं, ट्रस्टी हैं, और संस्था के विषय में कुछ बताएंगे सर। सर, मेरा नाम सर्वेश कुमार राव है और मैं संस्था में पहली बार जुड़ा हूँ। मुझे इतना मतलब मालूम नहीं इस संस्था के बारे में, अभी मैं जानना चाहता हूँ, अपने बड़े सर लोगों से मतलब सीख रहा हूँ। नहीं सर, संस्था के जो आप ट्रस्ट हैं, अभी आप ट्रस्टी इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कुछ तो आपने उद्देश्य सोचा होगा कि हम ऐसे मतलब संस्था में काम कर रहे हैं। हाँ, इस संस्था में हम जुड़े हैं मतलब मूल लय का मतलब गरीबों को मदद करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, गरीबी स्तर जो है उनकी मदद करना, शिक्षा में मतलब सहायता करना, यही सब हमारे मतलब मूल नायक का सिद्धांत है कि मतलब गरीब जो नीचे जमीनी स्तर से उन्हें ऊपर उठाना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जन विकास आवाज में टाइम दिया, आपने टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मूल नायक एसोसिएशन का संस्था का जो मेन उद्देश्य है हमने आपको दिखाया चैनल के माध्यम से कि इनका मेन उद्देश्य है लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाना और लोगों से जुड़ना, जो जमीनी स्तर पर लोगों को सहायता न मिल पाई है अभी तक हमारे इन संस्था के माध्यम से उनको मिले। इसमें हमारे संपादक जी हैं, संस्थापक जी हैं मिस्टर सुनील जी, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके आज इस संस्था के लिए यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया है बाबा साहब अम्बेडकर के 130वीं जयंती पे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपने संस्था के विषय में ज़रा हमसे कुछ बताएं। धन्यवाद सर जी, सबसे पहले तो मैं जन विकास आवाज़ का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम भी आपको धन्यवाद कहते हैं। और हमारे जन विकास आवाज़ के जो चीफ है आदरणीय संतोष जी, उनका भी आभार कि उनके माध्यम से आप मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं वे। और जैसे कि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है, और हमारे कमेटी के जितने लोग हैं, हम सभी का यह प्रयास था कि 14 अप्रैल के दिन ही हम लोग हमारे संगठन का स्थापना दिवस आयोजित करें, ताकि जयंती के अवसर पर ही लोगों को एक मैसेज जाए, क्योंकि हमारा जो कार्य है SC ST OBC अल्पसंख्यक वंचित समाज के जो लोग हैं, दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, गरीब समाज के जो लोग हैं, मानव कल्याण के उद्देश्य से हम लोगों ने यह संगठन का निर्माण किया हुआ है। और हमारे देश में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो मानव कल्याण का कार्य बहुजन समाज के लोगों ने ही किया है। हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे हमारे तमाम जितने बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन लोगों ने वास्तविक तौर पर इस देश को विकसित करने का कार्य किया है, मानव कल्याण का कार्य किया है। हम सभी लोग, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी लोग, हम लोग हमारे महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग भी इस देश में एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से इस संगठन का स्थापना किए हैं, और मानव कल्याण का कार्य हो इस उद्देश्य से हम लोग इस संगठन का स्थापना किए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दिखाते हैं, एक छोटा सा बालक हमारे सामने उपस्थित है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, वो कुछ कहना चाहता है, आइए हम दिखाते हैं। बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है, हम बाबा साहब के चेले, भारत में सबसे पहले है, जो दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आवाज दो हमें क्या, हम एक है हम एक, आवाज दो हमें क्या, हम एक है हम एक है, अरे आवाज दो हमें, हम एक है हम एक है, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत अच्छा है। देखो, बालक ने बहुत से अच्छी एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलते हुए रास्ता दिखाया, उन्हें बहुत अच्छी कविता के माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दिया। इसी साथ कैमरामैन रमेश के साथ मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा, थैंक यू।